क्योंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये क्या है, केले का पेड़। तो आज हम आपको केले के पेड़ के बारे में बताएंगे। 150 कंट्रीज में पाए जाते हैं, 1000 वैरायटी होती है केले के पेड़ में। मोनालिसा, गोल्ड फिंगर, आइसक्रीम, ये कुछ वैरायटीज है। यहाँ पे पाए जाती है मार्गो, इलायची, लेडी फिंगर। आपको पता है केले हिंदी में कहते हैं केला और इंग्लिश में कहते हैं बनाना और संस्कृत में कहते हैं कदम। दोस्तों हम लोग इस बनाना ट्री को हम बोलते हैं बनाना ट्री, लेकिन ये ट्री नहीं, एक हब है। बिकॉज क्योंकि आप इसके स्टेम्स देख सकते हैं, ये वुडन नहीं है, ये एक हब है जिसके ऐसे से पत्ते हैं। बनाना जो होते हैं वेल दे सॉइल में होते हैं, ज्यादा पानी होने से वो सड़ जाते हैं। तो दोस्तों जो बनाना प्लांट हब होता है उसको सनलाइट चाहिए होती है, और जो तेज विंड होती है वो नहीं चाहिए होती। बिकॉज आप देख सकते हैं ये पत्ते कैसे फट से चुके हैं, यहाँ से भी देखिए। बनाना जिंजर से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों देखिए जो बनाना प्लांट होता है वो फल देके मर जाता है, ऐसे देख सकते हैं कैसे मर चुका है। तो दोस्तों ये पेरिनियल प्लांट होता है जो मरता है, लेकिन इसकी दूसरी जगह से भी जड़ों से प्लांट उग के आ जाता है। देखिए जैसे ये आ गया है, यहाँ पे भी आ गए हैं, देखिए ये भी है, ये इसी की जड़ से हुआ है। ये देखिए ये बनाना में अपना छोटा सा पेड़ निकाला है। इस पेड़ का जो स्टेम है वो अलग अलग पत्तियों को जोड़ के बनाया जाता है। देखिए देखिए अलग अलग, ये देखिए ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पे भी देखिए आप लोग, ये भी देखिए अलग अलग पत्तों से ये स्टेम बनाया जाता है। देखिए दोस्तों इसको शकर बोलते हैं, ये भी बाकी पेड़ों की तरह बड़ा होगा और हमको फल देगा। तो देखिए दोस्तों ये जो पुराना पत्ता है ये ऐसे सूख के ही सड़ जाते हैं। इसको हम पेटियोल बोलते हैं, जो स्टेम से जॉइन होता है और ये जाते जाते अपनी जो वेव्स होती हैं वो ऐसे ऐसे छोड़ के पत्ता बना देती है। देखिए दोस्तों ये पैरेलल विनेशन है। ये जो लीफ है इसे सिगार जो स्टेम है ये पानी से भरा हुआ है। देखिए दोस्तों इसे फॉल स्टेम और सीडो स्टेम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक एक पत्तों को अपने पर ओवरलैप कर लेता है। देखिए एक ये और ये, देखिए दोस्तों हमें स्टेम के अंदर ये मिला, कॉम कहते हो, यहाँ से छोटा बच्चा भी निकलता है। ये इसकी जड़ है, ये सब हिस्सा स्टेम है। ये दोस्तों ये जो स्टेम है इसी से देखिए यहाँ पे फ्रूट आ रहे हैं। देखिए छोटे छोटे से बनाना, देखिए स्टेम से ही बनाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों ये बनानास के फीमेल फ्लावर्स हैं और ये जो इसके अंदर होते हैं वो मेल फ्लावर्स होते हैं। देखिए
दोस्तों जो ये पुराना ये जो पत्ते होते हैं सूख के बाद में स्कार छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे देखिए अच्छे अच्छे से देखिए बाद में ऐसे निकल जाते हैं। तो ये बिल्कुल हमारी हैंड की फिंगर्स जैसे लगते हैं, तो इसे बनाना है दोस्तों, हम इस पूरे से इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। देखिए सूख चुका है, देखिए इसको निकाल के देखिए इसके अंदर स्कार होता है, देखिए पूरा स्कार है। तो इस हिस्से को पेडंकल बोलते हैं, पूरा बंच है और ये रैचिस है, देखिए पूरा रैचिस है, उसके अंदर फल है छोटे छोटे। इसको हम खोल के दिखाएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर सीड्स हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो फ्लावर होता है इसको मेल फ्लावर बोलते हैं। इसकी ग्रो रुक गई है, इसे हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे गड्ढा बना दिया है, अब हम यहाँ पे केले के पेड़ लगाएंगे। प्लांट से बहुत फायदा है, हम बनाना आइसक्रीम खा सकते हैं, बनाना स्मूदी, बनाना चिप्स और बहुत सारी चीजें जो हम बना सकते हैं। बनाना की सब्जी और कॉर्नफ्लेक्स बहुत ही अच्छी बनती है। बनाना तो हम खाते ही है, जो उसके छिलकल होते हैं उससे हम धूप पे पॉलिश भी कर सकते हैं। बनाना पील से हम फर्टिलाइजर, कॉम्पोस्ट और एनिमल फीड बना सकते हैं। आप बनाना पील के ऊपर चलना मत तो फिसल जाओगे। आप बनाना लीव के ऊपर चावल और मछली डालेंगे तो करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है।
बनाना के पत्ते होते हैं वो पहले से कुदरती पत्ते प्लेट और कटोरे में बनाए जाते हैं, आज भी उन्हीं पत्तों को यूज करते हैं। ये इकोनॉमिक और हाइजीनिक होते हैं। इनसे डेकोरेटिव आइटम और क्लॉथ भी बनाया जाता है। केले का पेड़ रिलीजियस चीजों में काम आता है, जैसे पूजा, शादी और नामकरण। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब किए, कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम बहुत मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। घंटा बजाना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।